हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास का चैप्टर वाइज मैंने बनाना वीडियो शुरू किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो नंबर ऐसे आप प्लेलिस्ट जाइएगा तो प्लेलिस्ट में किनारे वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके पूरा मध्यकालीन इतिहास पूरा समाप्त करूंगा। यूरोपियों यानी आगमन, यूरोपियों के आगमन तक यानी आधुनिक इतिहास शुरू होने से पहले पूरा मैं चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूँ। इसके पहले मैं आपको मध्यकालीन इतिहास में कहां तक पढ़ा चुका हूँ, इल्तुतमिश तक पढ़ा चुका था। कहां तक? इल्तुतमिश तक। एक एक राजा को पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देना या प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप देख सकते हैं। पूरा चैप्टर वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में आज हम लोग चर्चा करेंगे रजिया सुल्तान पे। किस पे? प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान के विषय में हम लोग बात करेंगे। यह सिर्फ भारत की नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय की, पूरे विश्व में इसके पहले कोई महिला को शासिका नहीं बनाया गया था। ठीक है, तो ये पूरे मतलब भारत ही नहीं पहले पूरे विश्व की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ऐबक से हम लोग पढ़ना शुरू किए थे तो आपको बता दें कि ऐबक भी गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी जब भारत के राज्यों को जीत रहा था, युद्ध कर रहा था, बहुत सारे राजाओं से युद्ध कर रहा था, उसमें सहायता कर रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबकवा ने कहा किया था कि मोहम्मद गौरी की लड़की थी उसको फंसा लिया था तो इससे शादी कर लिया। इसका गुलाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिशवा भी दास था किसका? ऐबक का। ऐबक का कोई पुत्र नहीं था, इसकी लड़कियां को फंसा लिया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी थी कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की कहानी आगे बढ़ेंगे, वो दो लोगों से फंस गई। ठीक, इसके बाद यहां से आगे हम लोग इल्तुतमिश तक पढ़ चुके थे। ऐबक 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक राज किया, फिर आराम से आ गया जो 1210 से 1211 तक किया, और इल्तुतमिश जो 1211 से 1236 तक इसने राज किया। तो इल्तुतमिश जब राजा था तभी इसकी लड़की जो थी रजिया सुल्तान, या बचपन से ही बहुत मतलब लड़ाकू, बहुत बुद्धिमान, हर चीज में बहुत तेज थी, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए इल्तुतमिश जब कहीं जाता था बाहर तो बाग डोर किसको दे देता था? रजिया सुल्तान को दे देता था। यह देख के इल्तुतमिश के जो 11 बेटे थे वो सब रजिया सुल्तान से जलस फील करते थे, मतलब द्वेष रखते थे कि हम लोग बेटा हो के हमको नहीं मिल रहा है और ये लड़की को जो है इतना ज्यादा तवज्जो दे रहा है। तो रजिया सुल्तान की काबिलियत को देखते हुए इल्तुतमिश मरने से पहले इसने घोषणा कर दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी जो होगा वो हमारी बिटिया होगी। कौन? रजिया सुल्तान होगी। तो जब ये मर गया तो इल्तुतमिश का एक चालीसा दल था, चालीसा यानी 40 तुर्क सरदार थे। अब सरदार का मतलब पंजाबी मत समझिएगा, ये तुर्की जो थे ये 40 तुर्क सरदारों का एक दल था जिसको चालीसा दल बोला जाता था। ये बहुत ही हावी रहते थे सब। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया कि रजिया सुल्तान को राजा न बना के रुकनुद्दीन फिरोज को राजा बना दिया। 1236 में इल्तुतमिश मरा और 1236 में रजिया सुल्तान को राजा न बना के इन चालीसा दल के दबाव में रुकनुद्दीन फिरोज को राजा बना दिया गया। ये एक नंबर का भेड़ा था। अब भेड़ा होने के साथ साथ गधा था, गधा के साथ मंद बुद्धि था, मंद बुद्धि के साथ एकदम विलासी प्रवृत्त का था, इसलिए इसको विलासी प्रेमी जीव कहते हैं। मतलब दारू रूपी के अकाली अयासी करता रहता था, दिन भर कोनो काम नहीं करता था। तो जब यह रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली की गद्दी पे बैठा तो उस समय पूछा जाएगा कि वो कहां पर था, तो बदायूं और लाहौर का शासन प्रबंध देख रहा था। ये भेड़वा, इतना बड़ा भेड़ था, मतलब एक नंबर का विलासी प्रवृत्ति का आदमी था, एकदम गधा था। ठीक, तो ये गद्दी पे बैठा। इसकी माँ जो थी एक तुर्की दासी थी, सातू कान एक तुर्की दासी थी। सत्ता दरअसल इसी के हाथ में आ गया
और ये क्या कर रही थी, ये बहुत तांडव मचा रही थी, सबको जो जो विरोधी लोग थे सबको थुरवा उड़वा रही थी, कटवा रही थी। तो इसको देख के दिल्ली में क्या हो गया, विद्रोह पैदा हो गया। उसी समय रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली छोड़ के कहीं गया हुआ था, तो रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के सामने खड़ी हो गई। अब लाल वस्त्र का समझ लीजिए क्या होता है कि जब इल्तुतमिश गद्दी पर था तो लाल वस्त्र न्याय का बहुत बड़ा प्रतीक था, यानी लाल वस्त्र पहनकर जो भी मतलब सामने खड़ा हो जाता था मस्जिद के सामने उसको न्याय मिलता था। रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहन के मस्जिद के सामने खड़ी हो गई और वहां पे दिल्ली के लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ और रजिया सुल्तान को गद्दी पे बैठाने का वो हुआ। तो दबाव में आके चालीसा दल के लोगों ने क्या किया, मतलब न चाहते हुए भी रजिया सुल्तान को 1236 ईस्वी में गद्दी पे बैठा दिया। और जब वह आया रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली में आया तो उसको गिरफ्तार करके उसकी क्या करा दिया गया, जेल में डाल के हत्या करा दिया गया। और तब वह गद्दी पे बैठी रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक यह गद्दी पर बैठी। इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग बहराम शाह के विषय में पढ़ेंगे, आगे चल के मेन राजा हुआ था बलवन उसके विषय में, और क्यूमर जो लास्ट राजा था गुलाम वंश का उसके बारे में पढ़ेंगे, और गुलाम वंश यहीं से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो रजिया सुल्तान है। ये मैं सिर्फ बता रहा था, पिछले वीडियो में मैं इसको पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक थोड़ा सा मैं बता रहा था कि आपको एक समझ बन जाए कि आगे क्या आपको पढ़ना है, ठीक। तो इन परिस्थितियों में रजिया सुल्तान दिल्ली की जनता का समर्थन पाके और अमीर जनता, दिल्ली की अमीर जनता और दिल्ली के जनता का समर्थन पाके लाल वस्त्र पहन के मस्जिद के सामने खड़ी हुई और लोगों ने समर्थन दिया। और रजिया सुल्तान जो है रुकनुद्दीन फिरोज के आने से पहले दिल्ली की तख्त पे इसको बैठा दिया गया, ठीक। लेकिन इसका विरोध में उतर गए कौन से लोग, तुर्क के अमीर सरदार उतर गए बाबू, विरोधी लोग बन गए तुर्क के अमीर सरदार। जो चालीसा दल था ना, ये बैठाने को तो दबाव में बैठा दिए, लेकिन इसके अंदर ही अंदर विरोध पैदा हो गया, जिसमें सबसे बड़ा विरोधी जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कुची, कबीर खां, यह कबीर खां प्रथम विद्रोह करने वाला यही था, लाहौर का गवर्नर इसे नियुक्त किया गया था, सबसे पहले यही विद्रोह किया था, मलिक इजुद्दीन सलारी। लेकिन रजिया सुल्तान बहुत ही चालाक थी, बहुत ही योग्य शासक थी, लेकिन रजिया सुल्तान इतिहास में बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाई। उसका एक कारण था, इतिहासकार मानते हैं कि रजिया सुल्तान अगर महिला नहीं होती तो भारत की बहुत अच्छी शासिकाओं में गिनती उसकी होती। शासिका तो अच्छी थी रजिया सुल्तान के अंदर हर गुण था, लेकिन महिला को ऊंचे पद पे, अब किसी महिला को के अधीन काम करना पड़ेगा तो भाई विद्रोह तो हो ही जाएगा। तो इन लोगों ने क्या किया, मुख्य रूप से इन लोगों ने बहुत विद्रोह किया, लेकिन रजिया सुल्तान ने क्या किया कि कबीर खां को और मलिक इजुद्दीन सलारी को अपनी तरफ मिला लिया और सारे विद्रोहियों को क्या कर दिया, विद्रोह को कुचल के रख दिया, यानी विद्रोह को समाप्त कर दिया। इसी के बीच रजिया सुल्तान ने देखा कि हमारे स्त्री होने का फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये लोग स्त्रियों के शासन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसने क्या किया कि दरबार में पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया, यानी कि जो महिलाएं पर्दा नकाब वकाब पहन के आना, मतलब इस्लाम में क्या बोलते हैं, मुस्लिम में ना कि नकाब वकाब पहन के आना है, उसे मतलब खुला नहीं आना, रजिया सुल्तान ने पूरा का पूरा व्यवस्था ही चेंज कर दिया, एकदम टोपी कुलाहा तलवार और वो तोप होता है ना जो पहनती है सब राजा महाराजा तोप पहनते, वो तोप को पहन के पूरा बकायदे से जो है गद्दी पे बैठने लगी। तो इसने बहुत सारा मतलब त्याग कर दिया, पर्दा प्रथा का है ना ये सब त्याग कर दिया। इसने कुछ तुर्क सरदारों को क्या किया, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाया, जिसमें एक था मलिक जलालुद्दीन याकूत। कौन था, मलिक जलालुद्दीन याकूत। यह जो था एकदम काला कलूटा था, काला कलूटा एकदम मंगरेला जैसा था, ये इसका दिल्ली का इक्तादार बना, ठीक। इसके बाद अल्तुनिया जो था यह तबर हिंद यानी भटिंडा का था, इसने भी विद्रोह किया था 1240 में, भी बता रहे हैं क्यों विद्रोह किया। ये तबर हिंद यानी कि भटिंडा जो है का ये बना गया क्या अक्तादार था।
इन दोनों में से अक्सर क्या था कि जब किसी महिला को, इतिहासकार ये मानते हैं कि मलिक जमालुद्दीन याकूत यानी याकूत से क्या था कि रजिया सुल्तान का कुछ प्रेम प्रसंग था, अजुरा गई थी, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रजिया सुल्तान जो है इस याकूत से अजुराई नहीं थी, अफवाह उड़ाया गया था। क्या था कि जब किसी महिला के शासन को आप बहुत क्या बोलते हैं एवॉइड करते हैं, उसके चीजों को हटा देते हैं, तो उसको एक ही रास्ता मिलता है कि इसको बदनाम कर दो। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रजिया सुल्तान को याकूत के साथ रिश्ता सिर्फ इसलिए जोड़ा गया था कि उसके चरित्र पर दाग लगा के इसको सत्ता से हटाया जाए, इसलिए बदनाम किया गया था। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि सच में जो है ये याकूत जो था इसका संबंध रजिया सुल्तान से था, यानी रजिया सुल्तान ने धीरे धीरे अब क्या कर दिया, इसको अपना बॉडीगार्ड बना लिया। अब यह हर युद्ध में या कहीं भी जाना रहता था तो एकदम रजिया सुल्तान के साथ ही रहता था। ये मंगरेलवा इसका बॉडीगार्ड बन गया और ये जो था कि बार बार ये रहता था, तो इसका सबसे ज्यादा विरोध किया 1240 ईस्वी में तबर हिंद भटिंडा एक जगह पंजाब में, यह जो विद्रोह कर दिया अल्तुनिया में, यानी कि पंजाब में था कौन, अल्तुनिया, ठीक, ये है पंजाब और ये है दिल्ली, यहां का था कौन, अख्तादार था याकूत, तो इसने भी विद्रोह कर दिया, ये भी खूब सारा मतलब विद्रोह किया। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया कि इस अख्तादार का यानी तबर हिंद का जो भटिंडा का अख्तादार था यानी कि अल्तुनिया, अल्तुनिया को विद्रोह को दबाने के लिए जाने लगी कहां पे, पंजाब के भटिंडा में, लेकिन रास्ते में ही क्या किया, इसी के सैनिकों में विद्रोह हो गया और यहाँ पे अमीर तुर्क सरदारों ने पूरा प्लानिंग किया था और यहीं पे याकूत को क्या कर दिया गया, इसके साथ जो याकूत गया था इसको मार दिया गया और मारने के बाद रजिया सुल्तान को यहाँ से गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया, भटिंडा लाया गया, जिसने अल्तुनिया ने क्या किया था इसको यहाँ पे जेल में डाल दिया। लेकिन रजिया सुल्तान चूंकि अल्तुनिया भी क्या था कि इसको बदनाम तो कर रहा था, लेकिन अल्तुनिया भी मन ही मन इससे शादी करना चाहता था रजिया सुल्तान से, तो यहाँ पे जब जेल में बंद हो गई तो इसने जब इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो इसने भटिंडा के जो इक्तादार था उससे अल्तुनिया से शादी करने का प्रस्ताव जो अल्तुनिया का था उसको स्वीकार कर लिया और थोड़े ही दिनों में वो शादी कर लिया और एक बहुत बड़ी फौज इन्होंने अपने शौहर के साथ यानी अल्तुनिया से शादी हो गया किसका, रजिया सुल्तान का। अब एक फौज तैयार किया और फौज तैयार करने के बाद यह पुनः दिल्ली पर अपना सत्ता पाना चाहती थी क्योंकि यहाँ पे अमीर तुर्क सरदारों ने बहराम शाह को दिल्ली का क्या बना दिया, राजा बना दिया था, सुल्तान बना दिया था। तो रजिया सुल्तान जो है यहाँ से अपने शौहर अल्तुनिया के साथ फिर दिल्ली में जाके विजय पाना चाहती थी, लेकिन यहाँ गई तो बहुत भयानक युद्ध हुआ बहराम शाह और रजिया सुल्तान के बीच, लेकिन रजिया सुल्तान यहाँ हार जाती है और फिर वापस चली जाती है कहाँ पे, अपने पति के साथ भटिंडा वापस चली जाती है। लेकिन ये चुप बैठने वाली महिला कहाँ थी, इसने फिर सैनिक अपना इकट्ठा किया और अपने पति के साथ यहाँ पे दिल्ली पे गई, लेकिन दिल्ली में युद्ध करते समय इसकी फिर हार हुई और यह जो है कहा जाता है कि दिल्ली में या फिर यहाँ पे दिल्ली पे कब्जा नहीं कर पाई और दिल्ली में ही जंगलों में भटकती रही और वहां पे माना जाता है कि रजिया सुल्तान उस समय भटक रही थी क्योंकि उसका लिबास शाही लिबास था इसलिए कोई पहचाने ना, तो यह पूरा जो है कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, गरीब बनने का जो है कि सारा कपड़ा पहन ली थी, मतलब अपना शरीर शाही लिबास को छुपा ली थी और इसे बहुत जोर का भूख लगा था और भूख लगने के बाद जो है यह रोटी के लिए भटक रही थी और रोटी भटकते भटकते दिल्ली में ही ये क्या हुआ, एक किसान मिला और किसान से इसने रोटी मांगा और उसने रोटी दिया और रोटी देने के बाद यह रजिया सुल्तान खाई, इतनी जोर की भूख लगी थी खाने के बाद जो है तुरंत इसको क्या आ गया, नींद आ गया। नींद आने के बाद उस किसान ने देखा कि रजिया सुल्तान के जब करवट बदली तो उसका शाही लिबास जो है वो दिखाई देने लगा, तो वो तुरंत जो है देखा और उसने क्या किया कि रजिया सुल्तान के शरीर पे जो सोना वोना, मतलब पहले का रानी भाई भारत की इतनी बड़ी शासिका थी तो गहना तो होगा ही, वो सोने के बाद उसको क्या कर दिया, हत्या कर दिया रजिया सुल्तान का और सोना लेके फरार हो गया।
और बाद में वो मतलब किसान पकड़ाया, और किसान के पकड़ाने के बाद कहा जाता है कि उस किसान ने मारने के बाद वहीं पे उसका कब्र बना के जो है कि क्या कर दिया था, ढक दिया था और सोना लेके फरार हो गया था। बाद में पकड़ा गया, किसान के माध्यम से पता चला कि रजिया सुल्तान का यहाँ पे क्या है, कब्र है, तो दिल्ली में रजिया सुल्तान का कब्र बना और उसके बाद वह आराम सा दिल्ली के गद्दी पे बैठा और इस प्रकार से रजिया सुल्तान का बहुत दिन तक शासन नहीं कर पाई। 1236 से 1240 यानी कि 36, 37, 38, 39, 40 लगभग 4 वर्षों तक ही ये क्या की थी, शासन किया था। और शासन में इतिहासकार मानते हैं रजिया सुल्तान अगर एक महिला नहीं होती तो भारत की बहुत अच्छी शासिका होती, और शासिका थी उसके अंदर हर गुण था। लेकिन महिला क्या है, महिलाओं को एक तो पद नहीं दिया जाता है, अगर पद मिल गया तो उसके अधीन कोई पुरुष काम नहीं करना चाहता। यही काम हुआ था रजिया सुल्तान के साथ, क्योंकि कोई भी तुर्क सरदार रजिया सुल्तान के आदेशों को मानना नहीं चाहता था। अभी भी ऐसा ही है, भारत में पुरुष प्रधान देश है, किसी महिला को जो है कि क्या बोलते हैं तवज्जो नहीं दिया जाता है। आज भी महिलाओं की भी कमी है कि उनको भी भीख मांगने का जो है कि आदत पड़ा हुआ है। बचपन में माँ बाप के सामने भीख मांगना, जवानी में पति के सामने हाथ फैलाना, बुढ़ापे में फिर बेटे के सामने हाथ फैलाना, अपने खुद सेल्फ डिपेंड होना नहीं चाहती है तो उनको सीख लेना चाहिए रजिया सुल्तान से कि रजिया सुल्तान ने किस प्रकार से पर्दा प्रथा का त्याग किया, टोपी कुल्हा सब कुछ पहन के दरबार में खुले मंच पे आके बैठती थी। तो आज जापान कहाँ है, आज मतलब वर्ल्ड के जो भी विकसित देश है वो कहाँ है, भारत की स्थिति देख लीजिए। आज भी महिलाएं पढ़ रही हैं, ठीक है साक्षरता बढ़ रहा है लेकिन अभी भी उनकी स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ। सुधार करने के लिए आवश्यकता है कि उनको जंजीरों से, जो समाज में जो बेड़ियां बनाई गई हैं कि तुमको ये नहीं करना है, तुमको वो नहीं करना है, तुमको सिर्फ घर में रहना है, चूल्हा चौका बर्तन यही सब करना है, तो उनका विकास कहाँ से होगा। तो रजिया सुल्तान से कुछ सीख लेना चाहिए। तो ये था रजिया सुल्तान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहराम शाह के विषय में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।